1990s को एक रिवॉल्यूशन का दौर माना जाता है, क्योंकि साइंस में कहे तो स्पेस में हबल टेलीस्कोप रिलीज हुआ था। फिर अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में तीन खान की एंट्री हुई थी, काफी रिवॉल्यूशनरी चेंज आए थे बॉलीवुड के म्यूजिक में और बॉलीवुड के मूवीज में। और तो और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी 1990s में हुआ था, तो काफी सारे चेंजेस आए थे 1990s में। और इन चेंजेस के बीच में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था कंप्यूटर की दुनिया में, जावा का। वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ जावा फ्रॉम स्क्रैच सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा और इंट्रोडक्शन टू जावा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेक्चर के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1990s में क्या हुआ था। सबसे पहले तो द हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा की जरूरत कैसे महसूस हुई, जावा की जरूरत कब पड़ी। तो पहले तो कंप्यूटर सिस्टम जो थे वो बाइनरी कोड से चलते थे, और सिंपल लैंग्वेज जो थी, बाइट कोड वाली जो लैंग्वेजेस थी, फोर्ट्रेन थी, फिर और भी काफी सारी लैंग्वेजेस थी, उनसे कंप्यूटर्स जो है वो चलते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, तब डिमांड हुई कि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड इजी पर पावरफुल लैंग्वेज हमें मिलनी चाहिए, जिससे हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो रन कर सके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में हम लोग प्रोग्रामिंग कर सके, ठीक है। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ सी का 1970s में। ऑफिशियली सी को ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज किया गया 1989 में, पर उससे पहले एक और लैंग्वेज बन चुकी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी जो थी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी, तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर पाती थी। बट अगर प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हद से ज्यादा हो गई तो प्रोग्राम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए इन्वेंशन हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का इन्वेंशन हुआ। और इसी इन्वेंशन के साथ ही डेवलपमेंट हुआ C++ का 1979 में। हाँ, इससे 10 साल बाद तो सी को स्टैंडर्डाइज किया गया ANSI द्वारा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद ऐसा हुआ कि काफी सारे डिवाइसेस जो थे वो भी प्रोग्रामेबल आने लगे, जैसे वॉकी टॉकी हो गया और भी काफी सारी प्रिंटर्स हो गए, ठीक है, वो भी प्रोग्रामेबल होने लगे। और इंटरनेट भी आ चुका था, ठीक है, इंटरनेट आ चुका था, वर्ल्ड वाइड वेब आ चुका था, ठीक है। तो काफी सारे डिवाइसेस थे, काफी सारे कंप्यूटर्स थे। अभी प्रॉब्लम सी और सी प्लस प्लस में ये था कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, ठीक है, मतलब कि सी अगर कोई प्रोग्राम कंपाइल करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, ठीक है, तो वो कंपाइल्ड प्रोग्राम या फिर वो एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो लिनक्स में नहीं चल सकता, ठीक है। तो आवश्यकता थी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की, और तभी जो डेवलपमेंट हुआ जावा का 1991 में। मतलब उन्होंने सोचा, गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग करके प्रोग्रामर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक लैंग्वेज डेवलप की जाए, और उन्होंने 5 की टीम बनाई 1991 में। तो जावा का कुछ डेवलपमेंट इस तरह से हुआ। 1990s में हुआ क्या था अभी देखते हैं, ठीक है। 1990s में जेम्स गॉसलिंग और उनकी 5 लोगों की टीम ने एक नई रोबस्ट पावरफुल लैंग्वेज, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वहां पे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। इनिशियली उन्होंने सोचा कि हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बनाए कि वॉकी टॉकीज है, छोटे मोटे प्रिंटर्स है, उसमें लैंग्वेज जो है आसानी से चल जाए, ठीक है। पर फिर इंटरनेट आ गया, ठीक है, इंटरनेट आ गया, ब्राउजर आ गया, तो ब्राउजर स्पेसिफिक उनका इंक्लिनेशन थोड़ा ब्राउजर स्पेसिफिक साइड चला गया, ठीक है। और इसीलिए ये जो जावा की लैंग्वेज है वो ना सिर्फ ऐसे पोर्टेबल सारे डिवाइसेस में रन कर पाती है, बल्कि एक वेब सर्वर साइड भी या फिर बैकएंड में, अभी बैकएंड में भी काफी यूज होती है। तो जेम्स गोसलिंग और टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक लैंग्वेज बनाए। 1991 में वो लोग पहली बार मिले, ओके। उन्होंने 18 महीने लगाए एक लैंग्वेज को डेवलप करने में, ठीक है, और उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ओक। तो फॉल ऑफ 1992 में उन्होंने ये लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप कर ली थी। अभी और 3 साल इसको लगे रिलीज होने में, ऑफिशियली रिलीज होने में। और ऑफिशियल रिलीज जब ये लैंग्वेज हुई, तब इसका नाम चेंज किया गया ओक से जावा में, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन हुआ ओक से जावा में।
और बीच में इन 3 सालों के 2-3 सालों के बीच में काफी सारे मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर्स ने इस लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया, इस लैंग्वेज को ज्यादा पावरफुल बनाया। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जावा की। अभी चलिए देख लेते हैं कि क्या दो बेसिक प्रोग्राम्स थे जो जावा प्रोवाइड करती थी, जिससे जावा की जो पॉपुलैरिटी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सबसे पहला प्रोग्राम जो है एपलेट, जावा एपलेट, छोटे 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 प्रोग्राम्स, छोटे छोटे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ठीक है, जो ब्राउजर में होते थे। क्लाइंट जो है उस लिंक पर क्लिक करते थे, डाउनलोड होते थे, और डाउनलोड होते ही ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड पे रन कर जाते थे। ठीक है, इससे क्या था कि सर्वर का लोड जो है वो कम हो जाता था। तो ये छोटे छोटे एपलेट्स थे, और फिर ये क्लाइंट साइड थी। ठीक है, क्लाइंट साइड में इन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए जिनको उन्होंने एपलेट बोला। तो सर्वर साइड के लिए भी कुछ तो किया होगा उन्होंने, क्योंकि तब ऐसा हुआ था कि बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, तो इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारे सर्वर्स की भी जरूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम्स डिजाइन किए सर्वलेट्स, ठीक है, छोटे छोटे सर्वलेट्स जो सर्वर पे काम करते थे और डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट शो करते थे, या डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट जो है वो क्लाइंट साइड में भेजते थे। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जिसमें एपलेट काम कर रहा है, ठीक है, और सर्वलेट जो है वो बैक एंड एप्लीकेशन है, बैक एंड प्रोग्राम है। अगर हम लोग कोई डेटा, जैसे मैं लॉग इन करती हूँ, ठीक है, मैं अपने गूगल अकाउंट में लॉग इन करती हूँ, तो सर्वर के अंदर सर्वलेट करके एक छोटा सा प्रोग्राम है, वो क्या करता है, टेबल से डेटा फेच करता है और उसी डेटा को फ्रंट एंड में पुश करता है, ठीक है, उसी रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड में पुश करता है। तो ऐसे सर्वलेट्स थे। तो दो चीजें थी, दो मेन चीजें थी, एपलेट्स थे और सर्वलेट्स थे। पर क्वेश्चन ये आता कि क्या ये एपलेट्स और सर्वलेट्स अलग-अलग कंप्यूटर्स में रन कर पाते थे? जी हाँ, बिल्कुल, ये अलग-अलग डिवाइसेस में, चाहे उनकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी अलग-अलग क्यों ना, वो रन कर पाते थे एक चीज की वजह से। एक चीज वो थी कि जावा वर्चुअल मशीन था उनके पास। अगर जावा वर्चुअल मशीन या जावा कंपैटिबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है जावा कंपैटिबल वेब ब्राउजर में वो लोग रन कर पाते थे, तो उनको एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए तो जावा को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैजिक है जावा का, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, लिनक्स क्यों ना हो, विंडोज क्यों ना हो, मैक क्यों ना हो, वो हर जगह जो वो जावा का जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो कंपाइल्ड कोड है, वो हर जगह सेम रन करेगा, ठीक है। तो ये मैजिक आता कहाँ से है? तो हम लोग थोड़ा सा ना डीप में जाते हैं और देखते हैं कि जावा कैसे काम करता है। जावा का कोड, जावा के कोड में हम लोग जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल जो क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जावा का कोड जो है वो कंपाइलर से कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइलर से कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल कोड में नहीं बल्कि बाइट कोड में परिवर्तित होता है, ठीक है, एकदम हाईली ऑप्टिमाइज्ड बाइट कोड में परिवर्तित होता है। अभी बहुत सारे प्रोग्रामर्स जिनको बाइट कोड के बारे में पता है, वो लोग सोचेंगे कि अरे बाइट कोड जो है उसको फिर से कंपाइल करना पड़ता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, ठीक है, और काफी स्लो हो जाता होगा फिर तो प्रोग्राम। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्लो नहीं होता है, क्योंकि ये बाइट कोड जो मतलब जो जावा कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ये बाइट कोड बहुत ही ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड बाइट कोड है, ठीक है। अभी बाइट कोड में कन्वर्ट होके, बाइट कोड में कन्वर्ट होके जावा वर्चुअल मशीन इसको रन कराता है, ठीक है। अभी एक डिवाइस में एक टाइप का जावा वर्चुअल मशीन होगा, और अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस में अलग-अलग टाइप के हमें जावा वर्चुअल मशीन्स मिलेंगे। जैसे विंडोज में अलग टाइप का जावा वर्चुअल मशीन होगा जिसको हम लोग JVM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में JVM बोलते हैं। बाकी मैक में अलग होगा, लिनक्स में अलग-अलग जावा वर्चुअल मशीन होंगे, ठीक है। पर जावा वर्चुअल मशीन्स भले ही क्यों अलग-अलग हो, ठीक है, पर वो आउटपुट तो सेम बाइट कोड के लिए सेम ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैजिक है जावा का, जिससे जावा जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग स्पीड की, ठीक है। यहाँ पर तो बाइट कोड जो है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड है, और स्पीड के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा
जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जैसे जावास्क्रिप्ट में जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, वैसे ही यहाँ पर भी एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर है जिसको बोला गया है हॉट स्पॉट, ठीक है। वो भी जावा वर्चुअल मशीन के अंदर है, बाइट कोड के कुछ 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 पार्ट्स को जो लगता है कि थोड़ा टाइम लगाएंगे एग्जीक्यूट होने में, उसको ऑप्टिमाइज करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, उसको कंपाइल करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जावा जावा का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अभी ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई कि हम लोग की कंसिडरेशंस देखने वाले हैं जावा के, कि जावा जो है वो क्या 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 क्या, क्या चीजें प्रोवाइड करती है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, पर जावा जिन्होंने एक्चुअल में डेवलप की थी उन्होंने बताया था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ये सारी चीजें जो है, इतने की कंसिडरेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जावा जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस आती है, अगर आपको सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से आती है ना, तो जावा में आप कुछ ही दिनों में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि जावा भी एकदम रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल उसका कोड है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जावा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी कहाँ से आए, जो भी बाइट कोड है, यहाँ पे आप एपलेट में भी सोच रहे होंगे कि एपलेट में कुछ भी डाउनलोड होता है और यूजर की परमिशन के बिना ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो वायरस घुस जाए, नहीं, जावा में बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वायरस आना या फिर हमारे डेटा का चेंज होना, ठीक है। क्योंकि जो जावा का जो बाइट कोड है ना वो जावा वर्चुअल मशीन द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। और जेवीएम हर बार ये चेक करता है कि कहीं ऐसा नहीं है ना, कहीं बाइट कोड कुछ ऐसी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा जो क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट की सिक्योरिटी का इश्यू हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं रहता। ऊपर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस में पब्लिक प्राइवेट इस तरह से बहुत सारे क्लासेस आते हैं जो हमारे जावा के अंदर के कोड को भी सिक्योर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी का एक मेजर इश्यू जो है वो जावा के अंदर बखूबी जावा जावा में जो जावा के डेवलपर्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को बखूबी सॉल्व किया था, इसीलिए बहुत सारे पेमेंट गेटवेज में भी जावा का यूज होता है। नेक्स्ट है कि पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल यानी कि कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबल का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ बताएं तो कहीं पर भी उस चीज को ले जाया जा सकता है, मतलब कि जावा का कोई प्रोग्राम है उसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस उसमें जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए और वो थोड़ा सा जावा कंपेटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, थीके? तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नेक्स्ट है रोबस्ट लैंग्वेज, ठीक है। रोबस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रोबस्ट यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग, जो छोटी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उससे ना घबराए या फिर उसका सामना कर सके। तो जावा भी कुछ इस तरह से है, बहुत सारे एरर हैंडलिंग के लिए हमें प्रोवाइड करता है, एरर हैंडलिंग का प्रोविजन है वहां पे, ठीक है। छोटे मोटे एरर्स जो है वो खुद ही वहां पे सॉल्व जावा में सॉल्व हो जाते हैं। तो जावा के प्रोग्राम्स में ऐसे बग्स तो कभी भी नहीं आएंगे जो हम लोग जिनको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि जावा जो है वो काफी रोबस्ट है, ठीक है। मतलब कि आपने जो लिखा है वो अगर आपने सही से उस जावा प्रोग्राम को लिखा है तो एकदम प्रिडिक्टेबल वे में ही जावा रन करेगा, ठीक है। जावा का आपका प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड यानी बहुत सारी थ्रेड्स है तो एक साथ जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स काम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस एक जावा के प्रोग्राम में सिंक्रोनाइज्ड वे में चल सकती है, एट अ टाइम चल सकती है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडेड है। फिर है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है। कुछ भी आर्किटेक्चर हो, ठीक है, कुछ भी आर्किटेक्चर हो, कहीं पर भी कभी भी वो जावा का प्रोग्राम सेम वे में रन करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जावा का प्रोग्राम हमने अभी बनाया तो हमें लगता है कि क्या 10 साल बाद सेम डिवाइस में ये प्रोग्राम रन करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि जावा में जब उन्होंने बनाई, डेवलपर्स ने या प्रोग्रामर्स ने जब जावा बनाई थी तो उन्होंने यही सोच रखा था
कि जावा अब भी इसी तरह से, मैं अगर कोई प्रोग्राम बनाऊं जावा का तो अब भी इसी तरह से चले, और आने वाले 10 साल बाद अगर कॉन्फ़िगरेशंस जब बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उस डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, उसका हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सारी चीजें चेंज हो गए, पर तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सेम सेम तरीके से चले, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पूरी तरह से कंपाइल्ड नहीं है। पूरी तरह से कंपाइल्ड होना यानी कि .exe फाइल बन जाना, है ना, एक एग्जीक्यूटेबल कोड आ जाना, पर जावा क्या करता है, बीच वाला जो जावा है वो बीच वाले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जावा जावा का कंपाइलर जो है वो जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जावा जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज, बाइट कोड जो है जैसा कि हमने पहले ही देखा था हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, और उसके साथ साथ ही जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है बीच की लाइंस को लेकर के उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने की ट्राई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, बहुत सारे डिवाइसेस पर जावा लैंग्वेज जो है वो बिना कोई रुकावट के चल सकती है। इसमें एक और फीचर ऐड कर देती हूँ, रिमोट मेथड इनवोकेशन, RMI का फीचर, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कुछ कुछ दूरी पर कोई एक कंप्यूटर है जिसकी मेथड, जहाँ जिसमें जो जावा प्रोग्राम है उसकी मेथड को मैं मुझे इनवोक करना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट है डायनामिक लैंग्वेज, डायनामिक इसलिए क्योंकि हम लोग कोड को यहाँ पे डायनामिकली लिंक कर सकते हैं, और इसके जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के साथ सिस्टम को डायनामिकली अपडेट किया जाता है। तो ये तो काफी सारी प्रॉपर्टीज और काफी सारी की कंसिडरेशंस हमने पढ़ ली है जावा के बारे में। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, क्रोम में जाके देखते हैं जावा के वर्जन के बारे में। जावा के बहुत सारे अलग 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 वर्जन्स थे, ठीक है, 1990s से लेकर के बहुत सारे वर्जन्स थे। उसके ऊपर एक पूरा विकिपीडिया पेज है, ठीक है, पूरा विकिपीडिया पेज है जावा 1.0 जो कि 1996 में ऑफिशियली रिलीज हुआ था, ठीक है। फिर जावा 1.1, 1.2, J2SE, यहाँ पे J2SE, ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन बोला जाता है, ठीक है। फिर उसका नाम J5, जावा SE5 में उसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे मेजर अपडेट्स आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जावा SE6, और अभी फिलहाल जावा SE21 चल रहा है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। September 23 में ही इसका रिलीज हुआ था, और September 28 में एंड ऑफ प्री पब्लिक अपडेट, September 28 में प्री पब्लिक अपडेट का एंड होगा, ठीक है। और अभी के लिए ओरेकल जो कंपनी है, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम्स में जो प्रोग्रामर्स थे वो काम कर रहे थे, और सन माइक्रो सिस्टम्स में ही ये जावा का डेवलपमेंट हुआ था। बाद में ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को एक्वायर कर लिया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जावा जो लैंग्वेज है उसकी ओनर ओरेकल कंपनी है। तो ये सारे वर्जन्स थे जावा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा हिस्ट्री जावा की नीड क्यों हुई, ठीक है। फिर जावा धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ, सबसे पहले तो ओक आई, और ओक पे बहुत सारी चेंजेस आए, और 3 साल बाद ऑफिशियली इसका नाम चेंज कर दिया गया जावा पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जावा के बारे में पढ़ा कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर और बाइट कोड के साथ जावा का मैजिक कैसे क्रिएट होता है। हमने एपलेट और सर्वलेट के बारे में पढ़ा। एपलेट जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्लाइंट साइड पर चलते हैं, सर्वलेट्स जो होते हैं वो सर्वर साइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमने बहुत सारे की कंसिडरेशन देखे जावा के, ठीक है, जिसमें से सिक्योरिटी, रोबस्टनेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और भी काफी सारे की कंसिडरेशन थे। और लास्ट में हमने जावा के वर्जन्स के बारे में पढ़ा। तो ये था जावा की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू जावा के बारे में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।